डुंगलोद के सामुदायिक भवन में मित्तल ब्लड बैंक, लाइफ केयर ब्लड बैंक जयपुर, जैन अस्पताल ब्लड बैंक, दुर्लभ ब्लड बैंक द्वारा रविवार को संतों के सानिध्य में सांसद नरेंद्र कुमार की मौजूदगी में व डुंगलोद जनसेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 11वें रक्तदान शिविर में 539 यूनिट रक्त संग्रहण कार्य किया गया। समिति के सचिव गिरधारीलाल इंदौरिया, मुक्तिनाथ, मोहननाथ, जीतनाथ, पंडित फूलचंद चतुर्वेदी एवं प्रभुजनों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर शिविर का प्रारंभ किया गया। शिविर में जज्बा एक तरफ महिलाओं और समिति से जुड़े युवा वर्ग ने उत्साह दिखाते हुए बड़ी संख्या में रक्तदान किया था। दूसरी तरफ झुंझुनू शिवसेना प्रमुख शंकरलाल शर्मा के नेतृत्व में झुंझुनू सीकर मुकुंदगढ़ से बड़ी संख्या में आए शिवसैनिकों ने भी रक्तदान किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के मुरारीलाल इंदौरिया के नेतृत्व में आए स्वयंसेवकों एवं समिति के कार्यकर्ताओं का शिविर संचालन में सराहनीय योगदान रहा। साथ ही रक्त संग्रहण टीम के रूप में डॉक्टर मुकेश कुमार गुर्जर, डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर नगेंद्र कुमार ने उनकी टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। रक्तदान शिविर में क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र कुमार ने उपस्थित रहकर रक्तदाताओं का हौसला अफजाई की तथा गत एक दशक से डुंगलोद जनसेवा समिति के स्वरूप से लगाए जा रहे रक्तदान शिविर की सराहना की। साथ ही समिति के सचिव गिरधारीलाल इंदौरिया ने साफा फहनाकर सांसद नरेंद्र कुमार का स्वागत किया। शिविर में रमाकांत शर्मा, डॉक्टर शिक्षाविद डॉक्टर के डी यादव, मुकेश पारेख, अरविंद इंदौरिया, सरपंच राधेश्याम सैनी, तेज रतन गुर्जर, सचिन दोरिया, हरफुल पोनिया, हुसैन खान, गुमान सिंह गुर्जर, जितेंद्र कुमार, दीपक शराब, फारूक सैयद, संजय नायक, उमेश मिश्रा, गोकुलचंद तौलासरिया, विजय भादुपोता, यशवंत इंदौरिया, तरुण बलरिया, करमचंद सैनी, राज सिंह पोनिया, बहादुर सिंह सेगाव, धर्मेंद्र बाय, नरेश कुमार मीर, इमरान अली, आयूब कलू व्यापारी, सुरेश नुमावाला, मुकेश कुमार, मक्खन जांगिड, मुकुंदगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद बिलाल खत्री, सक्रिय पार्षद दलीप मीणा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और प्रभुजन उपस्थित थे। डुंगलोद जनसेवा समिति की तरफ से सभी रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही गिरधारीलाल इंदौरिया सचिव ने सभी का आभार प्रकट किया। डुंगलोद जनसेवा समिति के सौजन्य से लगातार पिछले काफी वर्षों से रक्तदान शिविर हो रहा है और रक्तदान शिविर के जो संयोजक हैं वो सपना लिया है आज से 10 साल पहले गिरधारी इंदौरिया जी डुंगलोद में रक्तदान की एक अनूठी पहल लगातार सामाजिक सरोकार के आप कार्य करते रहते हैं। कितने साल पहले ये पुनीत कार्य प्रारंभ किया था? 10 साल हो गए मेरे को, ये 11वां कैंप है। 11वां ये कैंप है। लगातार यूं कहें कि हजार हजार से भी ज़्यादा यूनिट इकट्ठी होती है, इतना युवाओं में जो एक संदेश देने की जो कोशिश आपकी सफल कोशिश है, तो किस तरीके से युवाओं में आप प्रेरणा देते हैं इस विषय में? इस सेवा है तो सीधी सेवा, सीधी जान बचती है किसी की, और कोई मकसद नहीं, केवल सेवा। नौलगढ़ क्षेत्र, आसपास क्षेत्रों में डुंगलोद जनसेवा समिति रक्तदान के अलावा और भी कई अच्छे कार्य करते हैं। लगातार इस कार्य में एक अच्छी आपके युवाओं की अच्छी खासी टीम रहती है। जो सामंजस्य है, एक संदेश जाता है कि उस दिन रक्तदान का कार्यक्रम है और लगातार वो युवा आ जाते हैं, तो क्या कहाँ से इतनी एनर्जी या इस तरह का एक आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो कहाँ से जुड़ा हुआ? प्रेम है, भाइयों का प्रेम है, प्रेम से रहते हैं, प्रेम से लोग आते हैं। मकसद सेवा है, दूसरा कोई मकसद नहीं है, इसीलिए भाइयों का प्रेम है। गिरधारी इंदौरिया जी एक वो व्यक्तित्व है जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहते हैं, भाइयों में का प्रेम है, निश्चित रूप से प्रेम है, तभी इतनी बड़ी तादाद में सुबह से लगातार शिविर चल रहा है। रक्तदान की बात के अलावा और बात करें तो आप यूं कहें कि धार्मिक सेवा भी लगातार करते रहते हैं, जो पैदल यात्री है उनके लिए भी आप कैंप चलाते हैं और अपने चौबीस कोशी परिक्रमा में भी और भी ऐसे हजारों कार्य है, तो वहाँ वो चीज़ें जो चलती है, इन चीज़ों की धार्मिक यात्राओं की जो पहल है वो किस तरह के, क्या घर में इस तरह का माहौल मिला या फिर जैसे समय गुजरा तब आपको प्रेरणा मिली? अब बचपन से यही काम, मन संतुष्ट होता है सेवा करके, मन संतुष्ट होता है सेवा करने की। रक्तदान करने के बाद में लोगों की उम्मीद होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी की सेवा, और आज जो आपका लक्ष्य है कि एक रक्त की बूंद है वो एक घर को बचाता है, एक जीवन को बचाता है, तो जब लोग फ़ोन करते हैं कि हमें 2 यूनिट चाहिए, हमें वो 5 यूनिट, जब वो उस रक्त की बूंद जो जीवन बचाती है, उस समय क्या मन में विचार आते हैं? मन में खुशी होती है कि हमारे द्वारा कोई पुनीत कार्य हो रहा है, और खून ब्लड कोई देता है या न देता है, हम सबको खून देते हैं। कोई भी फ़ोन करेगा उसको संतुष्ट करेंगे, कोई भी फ़ोन करेगा, कोऑर्डिनेशन करना, और कोऑर्डिनेशन के लिए बकायदा पूरा समय भी देना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जहाँ नहीं हो तो दोबारा जाकर भी ब्लड देना पड़ता है। हाँ, करते हैं व्यवस्था, वो भी इसे प्लेटलेट चाहिए तो लड़के भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ग्रुप। और किस तरह के अवेयरनेस के आने वाले दिनों में, जिस तरह कहें कि डेंगू में भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्लेट डाउन हो जाते हैं, ब्लड की आवश्यकता होती है, तो और किस आने वाले दिनों में किस किस तरह के शिविर लगाने की मंशा रखते हैं? तो मेडिकल कैंप तो लगाते रहते हैं, हर महीने लगाते हैं,
और इसके लिए डेंगू के लिए जो ताज़ा खून चाहिए उसके लिए लड़के रखते हैं, 20-25 लड़के स्टॉक में रखते हैं, उनका ब्लड नहीं लेते हैं। तो ये हमारे साथ गिरधारी इंदुरिया जी हैं जो लगातार बताते हैं, और निश्चित रूप से जो आंकड़े पिछले 10 सालों से जो आंकड़े हैं वो ये आंकड़े बताते हैं कि हज़ारों लोगों की जीवन रक्षा इस डुंगो जनसेवा समिति के तमाम वो कार्यकर्ता, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पिछले 8 घंटे से कैंप चल रहा है, सुबह 8 बजे से कैंप चल रहा है, शाम को 6 बजे तक कैंप चलेगा, और इस कैंप में 1500 यूनिट के आसपास इकट्ठी रक्तदान होता है, चाहे गर्मी हो और लगभग इस तरह के युवाओं का जो जोश है वो गिरधारी इंदुरिया के नेतृत्व में रहता है, और वाकई साधु पात्र के पात्र हैं डुंगो जनसेवा समिति के तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो लोग। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार एक नज़र इस ब्लड कैंप पे दिखवाएं।